नारायण साईं जी केस समाचार 17 जुलाई 2023। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पानीपत के केस में शिकायतकर्ता महेंद्र चावला ने साईं जी के साथ पूज्य बापूजी को भी उसके ऊपर हुए कथित हमले का आरोपी बनाने की पूरी कोशिश की है और आवेदन भी लगाया है, जिसके लिए दिनांक 17 जुलाई को श्री अमित गर्ग के कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें साईं जी की तरफ से वकील श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी अपने सहयोगी प्रत्यक्ष कुमार यादव व नीरज देशवाल जी के साथ पेश हुए। बहस में धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर तथ्यों के आधार पर बताया और निवेदन किया कि बापूजी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है और वे बेकसूर हैं, इसीलिए पुलिस को यह आदेश दिया जाए कि बापूजी के खिलाफ केस की कार्रवाई को बंद करने के लिए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया जाए और साथ ही बापूजी के खिलाफ महेंद्र चावला के द्वारा की जा रही इस तरह की कार्रवाई को खत्म किया जाए। जिस पर जज साहब अमित गर्ग जी ने वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी की सारी दलील सुनने के बाद महेंद्र चावला के द्वारा बापूजी पर इस आरोप पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के ऑर्डर पास करने की तारीख 31 जुलाई 2023 दी है। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार। पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।